मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको चैप्टर वन के रोमन न्यूमरल्स वाला टॉपिक करवाया था, एक्सप्लेन किया था उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं और समझाया था। आज उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.5 करेंगे हम। राइट द मिसिंग रोमन न्यूमरल्स इन द फॉलोइंग। मैंने पूरे के पूरे विद काउंटिंग के साथ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे ये सॉल्व किए हैं। आपको भी अपनी नोटबुक में ऐसे ही वर्क करना है, ठीक है, कि वन को हम ऐसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में, टू को हम ऐसे लिखते हैं, थ्री को हम ऐसे लिखते हैं, फोर को, लेकिन हम किसी भी डिजिट को थ्री टाइम से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। तो फोर को लिखने का तरीका आपको हमेशा याद रखना है, 5-1। 5 क्या होता है, वी, उसमें से 1 माइनस करेंगे और जो माइनस वाले हैं वो हमारे लेफ्ट साइड में हमारे नंबर्स आते हैं, रोमन न्यूमरल्स आते हैं, और अगर हमें किसी चीज़ को ऐड करना हो तो वो राइट साइड में जाता है। तो 5 तो आपको पता ही है, जो 7 लेटर्स मैंने आपको कल आपको एक टेबल बना के दिखाए थे कि ये 7 मेन लेटर्स है रोमन न्यूमरल्स के, इन्हीं के यूज़ से ही हम काउंटिंग को लिखते हैं। अब 6 देखो, 5+1 ऐड कर रहे हैं तो इसके राइट साइड में सभी साइंस आएंगे, ठीक है। 7, 5+2, 8, ये मैंने विद काउंटिंग आपको एक्सप्लेनेशन के साथ किए हैं। आपको ऐसे ही ये अपनी नोटबुक में करनी है, बिल्कुल सेम इसी तरह से। और आपके ये जो आप ये रोमन न्यूमरल्स डालेंगे इनके ऊपर लाइन नहीं आएगी, ठीक है, और इनके बीच में थोड़ा सा गैप ज़रूर होना चाहिए, बिल्कुल डिजिट मिक्स नहीं होने चाहिए। मिक्स होंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा आपने कैसे लिखा है। जैसे मैंने गैप के साथ लिखा है आपको भी ऐसे लिखना है। तो ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में कीजिए और साथ के साथ अपनी बुक में भी फिल कर लीजिए।